हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि WCC 3 का न्यू अपडेट कब तक देखने को मिलने वाला है एंड इस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे। कन्फर्म आपको करके बताने वालों की अपडेट कब तक आने वाला है, फीचर क्या क्या आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मन तक मिलेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस अपडेट के अंदर आपको फीचर क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इस अपडेट के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर तमिल कमेंट्री के साथ साथ आपको यहाँ पर इंप्रूव गेम प्ले और ग्राफिक के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। मल्टीप्लेयर मोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये जो अपडेट है वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कंपनी ने सोचा कि थोड़ा और ज़्यादा डिले करके इस अपडेट के अंदर एक और नया फीचर ऐड करने जा रही है, जिसका नाम है यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर गेम के अंदर जो वो कोच ऐड कर रहे हैं। उस कोर्स का काम ये रहेगा कि जो भी आप यहाँ पर प्लेयर अपग्रेड करते हैं, लाइक आपको जो है यहाँ पर किट वगैरह मिलते हैं, कॉमन किट, अनकॉमन, लेजेंडरी किट, ऐसे कुछ यहाँ पर मिलते हैं इस गेम के अंदर। तो उस किट के साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपने जो है कि प्लेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी क्या कर रही है कि गेम के अंदर कोच को ऐड कर रही है, वो कोच के हिसाब से अपने जो वो वहाँ पर जो वो वहाँ पर प्लेयर को अपग्रेड करेगा वो अपने आप से अपग्रेड करेगा। ये कोच पता नहीं प्लेटिनियम के साथ अनलॉक होगा या फिर प्राइज मनी, इसका थोड़ा यहाँ पर पैसे रखे जाएंगे, ये तो यहाँ पर अपडेट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस अपडेट के अंदर आपको जब अपडेट के अंदर आपको कोच ऐड होते हुए दिखाई दे जाने वाला है। एंड बाकी यहाँ पर रही बात, बाकी ऑलरेडी से मैं आपको कन्फर्म करा के बता चुका कि तमिल कमेंट्री आने वाली और साथ में इस गेम के इस अपडेट के अंदर आपको जब ग्राफिक थोड़े से चेंज वगैरह देखने को मिलने वाला है। मल्टी प्लेयर के अंदर जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर वगैरह ऐड करने वाले हैं यहाँ पर रियल यहाँ पर WCC 3 वाले, एंड बाकी और भी अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं। न्यू एनिमेशन और कटसिंस तो इस गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं है कि यहाँ पर न्यू एनिमेशन और कटसिंस की। लेकिन यहाँ पर इस गेम के अंदर यहाँ पर न्यू ऐड यहाँ जो फीचर ऐड होने वाला है वो यहाँ पर न्यू कोच का और तमिल कमेंट्री ऐड होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो अपडेट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आपको जनवरी के 2nd वीक में यानी कि 15 जनवरी तक आपको ये जो अपडेट है वो देखने को मिल जाने वाला प्ले स्टोर के ऊपर, यानी कि कुछ ही दिन बाकी है। यहाँ पर देखिए आज 5 जनवरी हो चुका, तो यहाँ पर हो भी सकता है कि आज अपडेट आ जाए, कल आ जाए, लेकिन 15 जनवरी तक पक्का कन्फर्म है कि ये जो अपडेट है वो देखने को मिल जाने वाला है। एंड इस अपडेट के अंदर आपको मैं यहाँ पर बता चुका कि तमिल कमेंट्री आने वाली है साथ में, और यहाँ पर इंप्रूव गेम प्ले और ग्राफिक दोनों इंप्रूव होने वाले हैं। एंड कोच ऐड होने वाले, यहाँ पर कोच का फीचर पहली बार किसी क्रिकेट गेम के अंदर ऐड हो रहा है। यहाँ पर मोबाइल क्रिकेट गेम की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार किसी एंड्रॉइड क्रिकेट गेम के अंदर कोच का फीचर यहाँ पर कंपनी लेकर आ रही है। तो वो वहाँ पर WCC 3 वाली गेम या गेम के अंदर आपको कोच का फीचर देखने को मिलने वाला है। ये जो अपडेट आपको 15 जनवरी तक देखने को मिल जाने वाला प्ले स्टोर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो कहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।